गणेश उत्सव के पावन पर्व पर शहर की सुप्रसिद्ध प्रीमियर कॉलोनी कैपिटल हाइट्स में इन 10 दिनों के दौरान विभिन्न रंगों की थीम रखी गई है। और बात करें आज की, तो तीसरे दिन के अवसर पर नीले रंग की थीम रखी गई है, जिसके चलते स्थानीय नागरिकों ने नीले कपड़े पहनकर पंडाल में शिरकत की, जहाँ आज के विशेष कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। This is the very first time I think you are here at Tata Capital Heights, and it is just not an event, but then it is a mega event. Like you can see the whatever, you know, the tayari and all jo hui hai. It is on a very grand level and one of the bestest in Vidarbh, I must say. You don't know, people are very excited all throughout. Ek month pehle se tayariyan chalu hoti hai iski. Idhar coordinators are the members of Tata Capital Heights only. And a lot of sponsors and a very large scale. This is a very mega event. Yeah. जैसे सबको पता है कि अभी गणेश चतुर्थी चालू है एंड टाटा कैपिटल हाइट्स का ये रिवाज है 10 दिन इसको बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करने का, क्योंकि गणपति जी हमारे प्रथम पूज्य हैं, तो उनका स्वागत, उनका आतिथ्य अभी खूब जोर शोर से होना चाहिए। और 10 दिन अलग अलग प्रोग्राम्स में सबसे ज़्यादा बच्चों को इनक्रेजमेंट मिलता है करने का। कल हमने ड्रामा करवाया, वो कैपिटल हाइट्स के रेसिडेंस का लिखा हुआ था, उन्होंने ही परफॉर्म किया, उन्हीं के द्वारा लिखा गया, परफॉर्म किया गया सब कुछ, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था सब लोगों के लिए, क्योंकि वो पहली बार हुआ था। हमने एक नई कोशिश की, एक नई पहल की एंड सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन उसमें बच्चों का था, तो बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना, क्योंकि अगर कुछ गलती भी हो जाए तो सब इन हाउस है, सारी गलतियों को हम संभाल सकते हैं, उनको नज़रअंदाज कर सकते हैं, तो जो स्टेज फ्राइट है बच्चों का वो बचपन से ही निकल जाता है, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और क्या। एंड वो भी जब गणपति जी को सेलिब्रेट करना हो, तो इससे अच्छा मौका और कुछ हो ही नहीं सकता। तो मेरी तरफ से आप सभी को गणपति बाप्पा मोर्य। सबसे पहले आप सबको गणेश जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे हर साल टाटा कैपिटल में बहुत अच्छे से 10 दिन तक ये फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से ये किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। अभी तीसरा दिन है आज का, आज और ऑर्केस्ट्रा का दिन है, और हर दिन एक अलग अलग थीम होती है। रेड कलर, फर्स्ट डे हम लोगों का रेड कलर था, सेकेंड डे येलो कलर, आज पिंक कलर है। तो ये एक यू नो वैसे भी बोला जाता है कि 10 दिन तक एक अलग अलग कलर पहनने से हमें भी वो खुशी आती है कि हमने ऐसे कलर्स पहनने चाहिए, कुछ अलग एक अच्छी एनर्जी हमारे अंदर आती है, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और बाकी सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ का फूड बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा मिलता है, और 10 दिन सभी लोग एक साथ मिलकर एक फैमिली की तरह सब लोग यहाँ पे सारे प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। टाटा कैपिटल वालों को गणपति की बहुत बहुत बधाई, और बहुत अच्छा इवेंट अरेंजमेंट किए सिस्टमेटिक ढंग से तरीके से। आज यहाँ पे 1000 के लगभग पॉपुलेशन है और उतने लोग के इन्विटेशन है, और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि इनका खाने खिलाने का तरीका, उसको प्लेट देने का तरीका ये बहुत बेहतर है, जिससे किसी को डिस्टर्बेंस भी ना क्रिएट हो। और गणेश जी की टाटा कैपिटल के सारे वासियों को और सारे पदाधिकारी जिस लोगों ने अरेंज किया है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा करें ऐसी अपेक्षा करता हूँ।